जैसा कि हम पहले बोल दिए थे कि मेरा वीडियो 24 मिनट समथिंग होने वाला है, तो अगला वीडियो 10-15 मिनट का रहेगा। 10 से 15 मिनट में ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात हो रही थी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? तो जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करने वक्त जितना कैपिटल बताया जाएगा आरओसी को, वो जो है क्या कहलाएगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आरओसी सीधा समझिए ना, कंपनी के पिताजी हैं आरओसी, मतलब सबका हेड जो होता है ना जी, सबका हेड। अभी जैसे हम लोग का क्या है, बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसी तरह हेड है समझिए। कंपनी के केस में हम लोग का हेड कौन? अभी पीएम है। पीएम जिस तरह हेड चलाता, हम लोग चल रहे हैं लॉकडाउन कर दिया तो लॉकडाउन हो गया, उसी तरह आरओसी जो जो कहेगा ना, वही वही कौन करेगा? कंपनी करेगा। आरओसी क्या हो गया? कंपनी का हेड हो गया। आरओसी जो कहेगा वही करेगा कंपनी, समझ जाइए। तो आरओसी को बताना पड़ेगा कंपनी को कि हम कितना शेयर लेकर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना है, मतलब कितना शेयर है मेरे पास जिससे हम आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो कंपनी जो है अब समान स्थिति में उससे अधिक पब्लिक को इशू कर सकता है क्या? नहीं। आप बोलिएगा अभी भारत सरकार को, अभी आप बोल रहे हैं कि मेरे पास 20 लाख रुपया है, ठीक है? तो अब आप जान जाइए कि अब सरकार को आप बता चुके हैं मेरे पास 20 लाख रुपया है, और इससे ज़्यादा रुपया अगर आप खर्चा करते हैं मार्केट में जाके, तो इसका मतलब सरकार आपको क्या करेगा जी? लव लेटर भेजेगा, नोटिस लिख के भेजेगा कि बाबू इतना पैसा आया कहाँ से, जब तुम बोल दिया था हमको कितना पैसा है, 20 लाख। उसी तरह ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या करेगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? तो कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन लेगा तो उस समय आरओसी को बताएगा कि हमारे पास कितना शेयर है, तो उससे ज़्यादा पब्लिक को इशू नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलेंगे। अभी इशू नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज हुआ है, मतलब रजिस्टर्ड हुआ है। कंपनी अपने जीवन काल में समान स्थिति में, हम बोल रहे हैं भाई, अब नॉर्मल सिचुएशन की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, समान स्थिति की बात कर रहे हैं। अब एबनॉर्मल में क्या होगा? फिर से ही क्या करेगा, अपना कंपनी में अमेंडमेंट करेगा, करेगा ना, अपना बुक में चेंजिंग लाएगा, परिवर्तन करेगा, और अपना शेयर बढ़ा सकता है तो बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग अपने समान स्थिति में क्या कहेंगे कि जिस पूंजी से अधिक एकत्रित नहीं कर सकता कंपनी, उस पूंजी से अधिक एकत्रित नहीं कर सकता है, और कंपनी जिस पूंजी पर क्या करता है अपना जी, रजिस्ट्रेशन कराता है, उसे ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। मतलब हो गया कि जिस कैपिटल पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, जिस शेयर कैपिटल पे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहलाएगा। जिस शेयर कैपिटल पे कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी, वह ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहलाएगा। समझ में आ गया? इशूड। अब इशूड देखिए क्या है, इसी में से जितना आप ऑथोराइज के रजिस्ट्रेशन कराए हैं ना जी, रजिस्ट्रेशन कराने वक्त बता दिए जितना, उसी में से क्या किया, जितना पब्लिक को खरीदने के लिए मार्केट में निकालना पड़ता है शेयर। शेयर कैसे खरीद बेचेगा? ऐसा थोड़ा होगा कि डलिया में ले लेगा, शेयर ले लो, ऐसा तो नहीं करेगा। शेयर बेचने के लिए एक मार्केट होता है, जो आप लोग सुने भी होंगे, निफ्टी सेंसेक्स शेयर मार्केट सुने भी होंगे कभी ना कहीं, नहीं सुने हैं तो कल पेपर देख लीजिएगा, निफ्टी सेंसेक्स, इस सब के बारे में भी आपको हम थोड़ा बहुत बाद में बता देंगे क्या होता है सर, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सब बता देंगे आप लोगों को बाद में। तो शेयर बेचने के लिए क्या होता होगा, एक मार्केट होता होगा, उस मार्केट में आप जाते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं। तो ऑनलाइन जो तो ये जो रिलायंस कंपनी का हम लोग जो बात कर रहे थे, वो तो रजिस्ट्रेशन कितना पे लिया है? हम लोग का कंपनी जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो कितना पे लिया है? 20,000 शेयर, और एक शेयर का दाम कितना रखा है वो? 10 रुपया। हालांकि इससे ऊपर भी बेच सकता है, जान जाइए तो फेस वैल्यू है ना जी, मार्केट वैल्यू तो और कुछ हो सकता है ना। अभी जैसे कि आपके पापा जी आपका रेट लगा के रखे होंगे, जो भी लड़का देख रहे होंगे उसके लिए क्या है जी, कि दहेज के लिए रेट लगा के रखे होंगे पापा, कि मेरा बेटा का 10 लाख रुपया फेस वैल्यू है। लेकिन मार्केट वैल्यू आप अगर जो जो पढ़ते जाइएगा, कल के डेट में आप सीए बन जाइएगा, कोई जो है और कुछ बन जाएंगे, कोई कुछ बन जाएंगे, कोई मैनेजमेंट में चले जाएंगे, तो उस सब का क्या होगा, रेट चेंज हो जाएगा ना जी। तो मार्केट वैल्यू तो अलग हो जाएगा, फेस वैल्यू तो कुछ और था आपका। तो जिस
वैल्यू पे रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। लेकिन जो मार्केट मार्केट में रेट चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन कराया कि मेरे पास कितना शेयर है 20,000, इसको क्या बोलेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलेंगे। और इसी में से कंपनी क्या करेगा, इशू कर देगा। किसको इशू करेगा, पब्लिक को, खरीदने के लिए बोलेगा कि हम मार्केट में खरीदो मेरा शेयर, अथी पेपर में निकाल देगा कि मेरा शेयर बिक्री है, खरीदिए। तो उसी में से जब पब्लिक जो है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, क्या इसी का ये भाग है, कौन, इशूड कैपिटल, व्हिच इज इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट। मतलब पब्लिक को बोला है कि तुम खरीदो। देखिए क्या, अधिकृत पूंजी वह भाग जिसे पब्लिक को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। मतलब क्या हो गया बताइए। तो दो चीज़ अभी तक पढ़े हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा, यही चीज़ है जो हर जगह आपको बताएंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए सिखाएंगे आपको इसी पॉइंट पे। इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है हमको क्वेरी कीजिए व्हाट्सएप पे कि सर हमको ऑथोराइज शेयर कैपिटल समझ में नहीं आया, हम ज़रूर बताएंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में एक लाइन रखना है याद, क्या, जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा तो जितना नंबर ऑफ शेयर का रजिस्ट्रेशन कराएगा, नंबर ऑफ शेयर का रजिस्ट्रेशन कराएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑथोराइज। जब इतना में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो इसी में से क्या करेगा, इशूड करेगा, किसको, पब्लिक को खरीदने के लिए, इशूड पब्लिक को खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसी में से जितना इशूड करेगा वो क्या कहलाएगा, जैसे मान लिया जाए 20,000 20,000 शेयर 10 रुपया के दर से क्या किए, रजिस्ट्रेशन कराए। इसी में से सोचिए 10,000 को क्या किए हम, पब्लिक को इशूड कर दिए। अब जरूरी नहीं है कि आप 10,000 बेचने निकले तो 10,000 बिक्री हो ही जाएगा, ऐसा हो सकता है जी, 10,000 बेचने निकले 10,000 खरीदा ही जाएगा, नहीं होगा। तो ज़रूरी है, हो सकता है हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें से जितना पब्लिक खरीद लेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर से क्या बोले हम, ऑथोराइज रजिस्ट्रेशन, जैसे बोलेंगे ऑथोराइज क्या बोलिएगा, रजिस्ट्रेशन, इशूड, ऑथोराइज में से जितना इशू किया किसको, पब्लिक को, उसी में से पब्लिक जितना खरीद लिया, जितना पब्लिक, हिंदी में जिनको नहीं समझ में आता हिंदी में लिख लीजिएगा जी, जितना पब्लिक क्या किया, खरीद लिया, क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब कहलाएगा। आप सोचिए कि पब्लिक 8,000 शेयर खरीदा, ठीक है, कितना रुपया के दर से, 10 रुपया से। अब जरूरी नहीं है कि पब्लिक जो है, क्योंकि ये जो 10 रुपया है ना बाबू, ये एक ही बार नहीं मांगा जाता है, ये भी आपको बताएंगे, ये जनरली 3 बार में मांगा जाता है। क्या क्या चीज़ में, एक बार पहले एप्लीकेशन करने वक्त आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको अलॉटमेंट होगा, और फिर आपको एक कॉल किया जाएगा कि पैसा दो भाई। जैसे देखिए, जब आप खरीदने के इच्छुक होइएगा ना, अभी अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन के टाइम कंपनी कुछ पैसा रख सकता है, जैसे 3 रुपया पर शेयर रख दिया, अलॉटमेंट में 3 रुपया रख दिया, और कॉल में 4 रुपया। तो पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा 3 रुपया के लिए, तब आपको क्या करेगा, देखेगा आपका डॉक्यूमेंट, चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं, तब आपको शेयर अलॉट किया जाएगा, मतलब शेयर दे दिया जाएगा। तब फिर आप उस समय कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया। फिर उससे आपके बाद, उसके बाद आपसे कॉल किया जाएगा कि बाबू तुम अपना शेयर का पैसा दो, तो तुमको 4 रुपया लग जाएगा, मतलब 3, 3, 6, 4, 10। तो हो सकता है आप ये वाला पैसा दे पाए, ये वाला पैसा भी दे दिए, लेकिन ये वाला पैसा नहीं दे पाए, किसी वजह से नहीं दे पाए। तो देखिए आपको क्या बोले, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब और पेड अप शेयर कैपिटल। देखिए जनरली क्या होता है, सामान्यतः जितना सब्सक्राइब हुआ है ना उतना पेड भी हो जाता है। जैसे 8,000 सब्सक्राइब हुआ ना जी, पहले ऑथोराइज कितना 20,000, इशू कितना किए पब्लिक को 10,000, पब्लिक खरीदा कितना 8,000, 8,000 खरीदा, अब सब पैसा देगा कि नहीं देगा, कुछ भाग जाएगा, समझे। तो जितना पैसा दे दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेड अप बोलेंगे। चारों समझ में आया जी, क्या क्या समझ में आया बताइए। तो ऑथोराइज रजिस्ट्रेशन, इशूड
जितना पब्लिक को इशू किया गया है कंपनी के द्वारा। तीसरा क्या बोले, सब्सक्राइब, जितना पब्लिक खरीद लिया है। और चौथा क्या बोले, पेडअप, जितना पब्लिक पैसा पेड कर दिया है, पैसा पेड कर दिया है। देखिए तो क्या बोले हम, पढ़िए तो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, इट मीन्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर व्हिच ए कंपनी ऑथोराइज टू इशू इट्स मेमोरेंडम, मतलब इसका मेमोरेंडम जितना ऑथोराइज इशू करने के लिए देता है, मतलब सहमति देता है कि आप इतना इशू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन जितना में कराए होंगे आप। इशूड मतलब हो गया कि इसी का पार्ट जो पब्लिक को खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए दिए हैं मार्केट में, उसी को हम लोग बोलेंगे इशूड। तीसरा क्या है देखिए तो, सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज हेल्ड एट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ये भी किसका पार्ट है, इशूड कैपिटल का, जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया, मतलब क्या कर लिया, खरीद लिया है पब्लिक, मतलब इशूड कैपिटल जिस भाग को जनता खरीदने के लिए आवेदन पत्र दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है जी, उसी को बोलेंगे सब्सक्राइब। और कॉल्ड अप, अब जितना इसमें से कॉल कर रहे हैं उसको कॉल्ड अप कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये और ये क्या है, पेड अप, जितना पैसा आपको मिल गया है वह पेड अप है। अभी जो जो चीज़ छूट गया है, जैसे ये छूटा ये रहने दीजिएगा। अभी पहले आपको, अभी कल जो है क्लास, जैसे अभी क्लास कीजिएगा आप लोग, जैसे क्लास कीजिएगा, अगला जो क्लास होगा, कल जो होगा क्लास आपका, उस क्लास में आपको पूरा बैलेंस शीट बनाने सिखाएंगे। इसीलिए ये पूरा क्लास कर लीजिएगा। आज जो जो पढ़ाए हैं उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हम पढ़ाए आज आपको शेयर क्या है, ठीक है। दूसरा हम आपको पढ़ाए शेयर कैपिटल क्या है। तीसरा हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें इक्विटी और प्रीफ्रेंस पढ़े थे। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार का होता है। और चौथा पढ़े टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल, जिसमें चार टाइप का शेयर कैपिटल पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या क्या पढ़े हैं बोलिए तो, ऑथोराइज्ड पढ़े, और बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी, सब जन देख ध्यान से है ना जी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल पढ़े। हम सोच रहे हैं सभी जो है ना, हम एकदम लगना चाहिए सर लाइव में है सही में, ठीक है, ऐसा इसीलिए हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं कि क्या क्या पढ़े, हम लोग बोलते चलिए, ठीक है। उसके बाद ऑथोराइज के बाद क्या करते हैं, इसमें से इशूड करते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड करने के बाद क्या होगा, इसमें से पब्लिक खरीदेगा, जिसको बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के बाद पब्लिक पैसा देगा, जितना पैसा दे दिया वो क्या कहलाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर से बोल रहे हैं समझिए तो, ऑथोराइज रजिस्ट्रेशन, इशूड पब्लिक को जितना दिए, सब्सक्राइब जितना खरीद लिया, और पेड अप जितना का पैसा मिल गया, ठीक है। ये इतना हम लोग आज डिस्कस किए हैं पूरा, कल से हम लोग सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जितना बार हो सके उतना बार इतना चीज़ को रिपीट कर लीजिएगा, शेयर शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ताकि कल से सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।